दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल के लिए दोस्तों बड़ा यहाँ पे फैसला यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया है। यस दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल 20 जुलाई को यहाँ पे बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पे जिहद चली दोस्तों, यहाँ काउंटर आर्गूमेंट दिए गए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चली। खास करके जो दोस्तों ये मैटर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जहां पे टेलीकॉम सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। दो कंपनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, 90,000 करोड़ का दोस्तों कैलकुलेशन बोला जा रहा है AGR का दोस्तों भुगतान जो इन्हें करना है भारत सरकार को। वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल 90,000 करोड़, इस चीज में दोस्तों कैलकुलेशन चल रही थी। कल दोस्तों यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें यहां पे की, कुछ चीजें अच्छी यहां पे हुई, कुछ चीजें दोस्तों ऐसी निकल गई जिसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया पे फिलहाल अभी तलवार लटकी हुई है, वो रहेगा या जाएगा उसमें दोस्तों शंका के बादल लगे हुए। क्या है दोस्तों, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दिया और किस तरह से दोस्तों सारी चीज हुई, और नेक्स्ट हियरिंग दोस्तों फाइनल हियरिंग कब तक होने वाली, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि AGR वाले मैटर को, जो टेलीकॉम सेक्टर का पूरा दोस्तों कर्ज है 1.5 लाख करोड़, इस मैटर को हमने पहले दिन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब दोस्तों अक्टूबर में 2019 में दोस्तों जजमेंट पढ़ा था तब से दोस्तों हम इस चीज को कवर करते हैं। एक एक बारीकी की चीजें आपको हमने बताई कि कब कितना पैसा यहाँ पे दिया गया, सेल्फ असेसमेंट कितना था, क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कब कब यहाँ पे इनको लताड़ लगाई, ये सारी चीजें दोस्तों होती भी निकल के आई है। अब दोस्तों कल यहाँ पे मैं कल शाम को आने वाला था लाइव, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा स्टडी यहाँ पे किया और अब आपके सामने वीडियो लेके आया हूं जो शाम तक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां यहाँ पे की, अलग अलग चीजें हुई, कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी है, जैसे कि दोस्तों हो सकता है 15 से लेकर 20 साल तक का टाइम, आपने सही सुना 20 साल तक का टाइम दोस्तों ऐसा लग रहा है आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सरकार के कहने पर डेफिनेटली यहाँ पे 20 साल के लिए मान जाएगी। ये बहुत बड़ा अच्छी चीज है, राहत की चीज है वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दोस्तों निकल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कुछ ऐसी टिप्पणियां निकल गई जो दोस्तों यहाँ पे बहुत गंभीर आरोप लगाती है। दोस्तों क्या चीज हुई पूरी की पूरी, एक एक डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कौन कौन सी चीज क्या पे हुई। जैसे कि मैंने बताया कि कल दोस्तों 20 जुलाई को यहाँ पे जजमेंट आना था, इसके बाद सुनवाई होनी थी, यहाँ पे जो सुनवाई हुई बहुत सारी चीज यहाँ पे निकल के आई। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एपेक्स कोर्ट कंफर्म्स गवर्नमेंट मैथ्स ऑन टेलको AGR ड्यूज। दोस्तों मतलब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट DOT ने दोस्तों ये जो कैलकुलेशन की थी AGR की, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का जो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर पे दोस्तों AGR था, उस कैलकुलेशन को फिर से सराहा और उसको दोस्तों एग्री किया कि एकदम सही है, इसमें कोई भी दूसरी आफ्टर सोच नहीं आ सकती। दोस्तों बता जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्स द गवर्नमेंट असेसमेंट ऑफ द AGR ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR ड्यूज दैट द टेलीकॉम कंपनीज सच एज भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया नीड टू पे, मतलब जितना पैसा इन्होंने बताया DOT ने दोस्तों उतना ही पैसा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बताया रिजर्व इट्स ऑर्डर्स ऑन हाउ मच टाइम दे विल गेट टू डू। दोस्तों उन्होंने ऑर्डर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर है उसको रिजर्व रख लिया है जो दोस्तों आने वाली है। दोस्तों ध्यान से सुना, 10 तारीख 10 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी, फाइनल हियरिंग हो सकती है दोस्तों 10 अगस्त को यहां पे होने वाली, तब तक के लिए इसको रिजर्व रख लिया दोस्तों ऑर्डर को यहां पे, और क्लियर कर दिया कि भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया को जो यहां पे DOT ने बताया उतना पैसा देना होगा, यस उतना पैसा यहां पे देना पड़ेगा, क्लियर कर दिया है। बात चीज यहां पे इतनी चल रही कि 15 साल या 20 साल कितना टाइम दिया जाए, बस इस चीज पे यहां पे टाइम देने का और कोई दूसरी चीज यहां पे निकल के नहीं आई है। अमाउंट की बात कर लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिसमें एग्री किया दोस्तों अमाउंट, तो जहां पे भारतीय एयरटेल को फिलहाल अभी देना है 25,976 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ देना है। वोडाफोन आइडिया को दोस्तों यहां पे देना 50,399 करोड़ यानी 50,400 करोड़ समथिंग देना, जहां पे भारतीय एयरटेल ने दोस्तों यहां पे जो अमाउंट अभी तक दिया वो 18,000 करोड़ दिया, 18,004 करोड़, और वोडाफोन आइडिया ने 7,854 करोड़ दिया। लेकिन उसके अलावा ये अमाउंट दोनों की बनती है जहां पे भारतीय एयरटेल का 25,976 करोड़ और वोडाफोन आइडिया का 50,399 यानी 400 करोड़, 50,000 करोड़ रफली गिन के चलते हैं जो अमाउंट यहां पे देनी होगी, इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं लगने वाला है। ये चीज यहां पे क्लियर कर दी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब दोस्तों बहुत सारी चीजें यहां पे निकल के आई, जैसे कि दोस्तों एक स्क्रीन पे देख सकते हैं विल नॉट हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन रीअसेसमेंट्स ऑफ AGR रिलेटेड ड्यूज इवन फॉर अ सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये तक सख्त टिप्पणी बोल सकते हैं दोस्तों यहां पे जस्टिस अरुण मिश्रा जो लीड कर रहे हैं इस बेंच को, उनका एक दोस्तों सीधा सीधा यहां था कि हम बिल्कुल भी इसके बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सुनेंगे कि रीअसेसमेंट करिए, फिर से कैलकुलेशन करिए कि जो अमाउंट यहां पे आई है DOT की, ये जो फिगर है इसमें रीअसेसमेंट फिर से सोचना चाहिए, ऐसे सोचा नहीं जाएगा। ये चीज दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा ने यहां पे क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टोटल अमाउंट जो दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज की निकलती है व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, जैसे कि मैंने बताया। बेंच दोस्तों जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिसको लीड कर रहे थे दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा, फिर एस अब्दुल नजीर थे, फिर MR शाह थे दोस्तों, और ये वर्डिक्ट दोस्तों बता दूं कि यहां पे ट्रिगर पेमेंट के बारे में ही अभी चीज है कि ट्रिगर पेमेंट जो होगा दोस्तों कितने टाइम का
यहाँ पे ईएमआई सिस्टम दिया जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों सारी की सारी चीजें अभी रुकी हुई यहाँ पे कि 15 साल का दिया जाएगा कि 20 साल का दिया जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एजीआर गवर्नमेंट 620 इयर्स टर्म्स फॉर स्ट्रिगर पेमेंट। सरकार ने 20 साल का टाइम यहां पे मांगा था, यस सरकार ने 20 साल का टाइम मांगा था दोस्तों। लेकिन बता दूं कि यहां पे जो वोडाफोन आईडिया और एयरटेल है दोस्तों, ये 15 साल के लिए भी एग्री हो गए थे कि 15 साल का अगर टाइम मिलता है तो हमें ठीक रहेगा यहां पे। जैसे कि बताऊं दोस्तों, रीजनेबल पीरियड जो होगा दोस्तों 20 साल लेगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि कंपनियों को यहां पे 20 साल का टाइम देना चाहिए जो थोड़ा इजी टाइम रहेगा कंपनियों को पैसा चुकाने के लिए। और ये चीज सही भी है क्योंकि यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी जो थे, मुकुल रोहतगी जो थे दोस्तों भारतीय एयरटेल वोडाफोन के दोस्तों यहां पे वकील, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि 15 साल का टाइम हमारे लिए रीजनेबल है, लेकिन अगर 20 साल का टाइम मिलता तो वो मोर देन इनफ रहेगा। तो मतलब टाइम के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों कन्विंस करने की कोशिश यहां पे डीओटी ने, भारत सरकार ने की कि 20 साल का टाइम अगर इनको मिल जाता तो ये रीजनेबल टाइम रहेगा, कंपनियां आराम से इस पैसे को चुकाने की कोशिश कर सकेगी। तो टाइम की बात कर दोस्तों 15 साल नहीं 20 साल की बात चल रही है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों यहां पे देखना होगा कि उनके वो क्या आदेश देते, 15 साल देंगे या 20 साल देंगे। लेकिन 20 साल अगर मिलता तो कंपनियों के लिए एक राहत वाली चीज होगी, जैसा कि सरकार यहां पे बोल रही है। अब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और स्टेटमेंट क्या निकल गया है दोस्तों, स्क्रीन पे देखेंगे आप, वोडाफोन आइडिया ऑफर्स ड्यूटी टू रिटेन जीएसटी क्रेडिट। यस दोस्तों, जीएसटी क्रेडिट एक ऐसी चीज है दोस्तों, जीएसटी के कुछ पैसे इनके पास पड़े हैं सरकार के पास, उसको दोस्तों यहां पे यूज करने की बात की जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया इज अ पार्ट ऑफ द टॉप कोर्ट हियरिंग मंडे ऑफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी रुपीज 8,200 करोड़ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कंसीडरिंग इट एज एन एसेट। यस दोस्तों, 8,200 करोड़ जो इनका जीएसटी टैक्स का दोस्तों इनपुट का पैसा पड़ा, उसको आप एसेट की जैसे यूज करें, उसको आप यूज कर सकते हैं। अनडिस्प्यूट जीएसटी क्रेडिट रुपीज 8,200 करोड़ कैन बी पेड मोर बाय अस, ये हम और पे कर सकते हैं जो आपसे बाकी है सरकार से। 8,200 करोड़ का हमारा जीएसटी इनपुट जो टैक्स से पड़ा है उसको आप यहां पे यूज कर सकते हैं एज हमारी पेमेंट के थ्रू, ऐसा कुछ यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है। अब ये दोस्तों अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज रहेगी, 8,200 करोड़ जो सरकार के पास ही पड़ा जीएसटी टैक्स का, इसको दोस्तों एज अ पेमेंट अगर यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए। और ऊपर से बता दूं तो वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों 1,000 करोड़ अभी दोस्तों 3 दिन पहले 1,000 करोड़ यहां पे दिया, तो ये एक एडवांस पेमेंट बोल सकते हैं। मतलब वो देने का तो बता रहा है कि हम पैसा देने के लिए रेडी, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट है जो इतनी बड़ी अमाउंट पॉसिबल नहीं कि इंस्टेंटली खड़े खड़े कोई लेके आ जाए। अब दोस्तों यहां पे एक स्टेटमेंट और निकल गया, वोडाफोन आइडिया ने क्या दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया, वोडाफोन आइडिया टू सुप्रीम कोर्ट रुपीज 1,00,000 करोड़ ऑफ इक्विटी ब्रॉट इन बाय प्रोमोटर्स वाइप्ड आउट। मतलब प्रोमोटर्स का 1,00,000 करोड़ धुल गया। यस दोस्तों, प्रोमोटर्स का 1,00,000 करोड़ यहां पे धुल गया है, बड़ा स्टेटमेंट वोडाफोन आइडिया का पे निकल के आया है। और ये चीज भी दोस्तों बताई जा रही है जो रिसर्चर्स है बड़े बड़े, अगर सरकार और यहां पे दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर 15 से 20 साल का टाइम अगर दे देती वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को, तो भारतीय एयरटेल के लिए तो कोई टेंशन नहीं, वो पैसा दे देगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया को दोस्तों इस ड्यूरेशन में भी इतना ईएमआई मिलने के बावजूद भी दोस्तों उसको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर से लाना पड़ेगा। अभी इसकी मार्केट वैल्यू बहुत खराब है दोस्तों, रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर से पैसा लाना पड़ेगा तब सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज 1 या 2 साल मैक्सिमम सर्वाइव कर सकेगा। ये इतना बड़ा दोस्तों कर्ज इनके ऊपर है, तो इनको 20 साल का टाइम तो मिलना चाहिए, उसके साथ साथ प्रोमोटर से पैसा भी दोस्तों इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट दोस्तों देख सकते हैं, 1,00,000 करोड़ दोस्तों धुल चुका है अभी तक, इतनी बड़ी अमाउंट। तो इन्वेस्टर्स को फिलहाल वोडाफोन आइडिया पे ज्यादा विश्वास यहां पे देखने को नहीं लग रहा है। उसके बाद दोस्तों दिखा रहा है यहां पे नो बैंक विलिंग। अब यहां पे दोस्तों एक स्टेटमेंट और निकल के आया था वोडाफोन आइडिया के, कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक हमें कोई भी गारंटी देने के लिए रेडी नहीं है, हमारी रेपुटेशन ऐसी हो चुकी फिलहाल मार्केट के अंदर, वो पहले ही कर चुके थे, हमारे पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं है, हम पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुके हैं, तो हमें राहत चाहिए सरकार की तरफ से। तो वो राहत वाली चीज दोस्तों बात चली थी, इसी चीज पे गवर्नमेंट और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने बताया that willing to offer, बता जा रहा है that no public sector banks was willing to offer guarantee to the companies। मतलब public sector bank कोई भी हमें यहाँ पे guarantee देने के लिए ready नहीं बैठी। और दोस्तों उसके बाद ये बता रहे all tangible assets secured before banks, no nationalized banks willing to give guarantee now। nationalized banks भी हमें यहाँ पे guarantee नहीं देने के लिए ready, मतलब private bank भी नहीं दे रही हमारी guarantee, मतलब इतना हम पे confidence नहीं banks को ना nationalized banks, मतलब कोई भी हमें यहाँ पे guarantee नहीं दे रही। हमारी हालत जो है अभी थोड़ी सी खराब है दोस्तों, क्लियर यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के दोस्तों जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने यहाँ पे जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच जो थी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इनके सामने चीज रखी कि फिलहाल दोस्तों इनके पास पैसा नहीं है और कोई बैंक गारंटी भी यहाँ पे नहीं, बैंक गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए इन्होंने बताया कि हमारा जो इनपुट टैक्स है यहाँ पे जीएसटी का, उसको आप एज अ गारंटी रख सकते हैं, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज तो क्लियर कर दी है कि यहाँ पे किसी भी तरह का फिर से विचार नहीं होगा, जो अमाउंट यहाँ पे डीओटी ने कैलकुलेट करके दी वो पूरी अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी, तो ये तो क्लियर है। उसमें तल्क टिप्पणी की एक सेकंड के बारे में, उसके बारे में नहीं सोच सकते कि फिर से
से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपकी एजीआर की अमाउंट, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक अच्छी न्यूज निकल के जो आई है, डीओटी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, हो सकता है 15 साल या 20 साल के लिए बात की, अगर 20 साल का टाइम अगर मिल जाता है वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी को तो डेफिनेटली सर्वाइव कर सकेगी। भारतीय एयरटेल पे तो कोई डाउट नहीं है, डाउट दोस्तों वोडाफोन आइडिया पे है जिसकी वैल्यूएशन बहुत 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 खराब हो रही है। जहां तक उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि हमें कोई बैंक गारंटी देने के लिए रेडी नहीं, ना प्राइवेट ना नेशनलाइज, हमारे इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपए यहां पे डूब चुका है, हम कैसे देंगे पैसा। अब दोस्तों देखने वाली चीज है कि यहां पे अगर 20 साल का टाइम मिल भी जाता वोडाफोन आइडिया को तो वोडाफोन आइडिया किस तरह से सर्वाइव करेगा, किस तरह से पैसा देगा। फिलहाल दोस्तों सिचुएशन 50-50 है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आएगी डेफिनेटली आपका भाई आपके लिए देखेगा। 10 अगस्त को दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों पता चलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम देगा और कंपनियां दोस्तों कहां जा रही है। वोडाफोन आइडिया की ही प्रॉब्लम है, वो सर बचेगी या दोस्तों चली जाएगी उसके बारे में देखने वाली चीज है। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया बचनी चाहिए, तो ही भारत के अंदर 3 कंपनी रहेगी और डियोपोली नहीं आएगी। अगर डियोपोली आ गई तो एयरटेल और जियो तो आपको और मुझे खा जाएंगे, मतलब प्लान महंगे हो जाएंगे। तो यहां पे वोडाफोन आइडिया को रहना चाहिए अगर कंपटीशन बना रहेगा, जिससे आपके प्लान सही रहेंगे, अदरवाइज बहुत महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणी यहां पे की, लेकिन फाइनली दोस्तों 15 से 20 साल के टाइम को देने के लिए एग्री कर दिया है। और 10 अगस्त को दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग होगी, तब शायद 15 साल या 20 साल का दोस्तों टाइम मिल सकता है, उसके बारे में क्लियर करना है और पैसा तो दोस्तों पूरा चुकाना पड़ेगा। यह चीज क्लियर कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे बताइए दोस्तों नीचे कमेंट करके आपको क्या लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, उस पर जजमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बताइए दोस्तों वोडाफोन आइडिया कैसे सर्वाइव करेगा, नीचे कमेंट करके बताना। और आप दोस्तों क्या चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और क्या करना चाहिए कंपनियों को बचाने के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स मुझे। वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे, उसके पास ही देखेगा घंटी का बटन, उसको जोड़ दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।